बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका टीचर आसिफ शबीर। टेंथ की मुताल पाकिस्तान के साथ आज का जो लेक्चर है वो हमारा है पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत, पाकिस्तान एमरजेंस एज अ न्यूक्लियर पावर। अज़ीज़ तलबा, इसमें हमने पढ़ना है कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत कब बना, किसने बनाया और उसके बाद इसका इस्तेमाल हमने कब किया। 1971 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तदार संभाला तो उन्होंने एटमी साइंस हमारी उन्होंने कहा कि एटमी साइंस हमारी तरक्की और दिफा के लिए ज़रूरी है, मगर हम एटमी तवानाई की ख्वाहिश जंग या तबाही के लिए नहीं बल्कि अपनी बेहतरी और तरक्की के लिए रखते हैं। 1971 में कराची में पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर कायम किया गया। ये मुल्क की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा था। पाकिस्तान में बढ़ती सनतों की तरक्की के लिए मजीद एटमी तवानाई का हासूल बहुत ज़रूरी था। भारत ने जब 1974 में राजस्थान के सैराब में अपना पहला एटमी धमाका किया तो वह एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन गया। भारत के एटमी धमाके से जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन जो था वो बिगड़ गया। चुनाचा पाकिस्तान ने भी एटमी ताकत बनने के लिए कोशिश शुरू कर दी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के हसूल की ख्वाहिश की। 1976 में दोनों ममालिक में प्लांट की ख़रीदारी का मुआहदा तय पा गया और प्लांट की कुल कीमत 40 करोड़ डॉलर में से 10 करोड़ डॉलर की किस्त जो थी वो अदा कर दी गई। लेकिन भारत, रूस और अमेरिका और दूसरी एटमी ताकतों को ये बात पसंद ना आई। चुनाचा उन्होंने फ्रांस पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को यह प्लांट मुहैया न करे और मजबूरन फ्रांस ने मुआहदे के बावजूद प्लांट की फराहमी रोक दी। बाद जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक़ के दौरे हुकूमत में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की निगरानी में पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जारी रहा। 1984 में उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने यूरेनियम को अफजोदा करने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। इस ऐलान के होते ही पाकिस्तान दुश्मन अनासर ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम तेज़ कर दी। इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान अमरीकी F-16 और फ्रांसीसी तैयारे मिराज के जरिए एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं जो भारत के बड़े शहरों तक रसाई हासिल करते हैं। 1989 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर ने दावा किया कि पाकिस्तान ने एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। भारत और पाकिस्तान ने अपने जौहरी प्रोग्राम एक दूसरे से खुफिया रखा था, मगर भारत ने 1974 में धमाका करके दुनिया को बता दिया कि वो एक एटमी ताकत है। अमेरिका ने उसके रवैये से नज़रें चुरा ली थी, मगर जब पाकिस्तान ने इस मैदान में कदम रखा तो उसे प्रेसलर तरमीम की पाबंदियों में जकड़ दिया गया। प्रेसलर तरमीम ये था कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली जो दिफाई सामान था उस पर पाबंदी थी। तो 1998 में भारत में भारतीय जनता पार्टी BJP बरसर इकतदार है, जिसने भारत की बर्तरी का सिक्का जमाने के लिए 11 मई 1998 को पोखरान राजस्थान में 5 एटमी धमाके करके खित्ते में एटमी बर्तरी कायम करने की कोशिश की। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भारतीय जारियत का जवाब देने से मना किया और धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने जवाबी धमाके किए तो उसकी इक्तसादी और इमदाद बंद कर दी जाएगी। तो मगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने अवाम के मुतालबे पर इखलाक की जुर्रत और कौमी गैरत का मुजाहरा करते हुए 28 मई 1998 को बलोचिस्तान के चागी पहाड़ में भारत की 5 धमाकों के मुकाबले में 7 धमाके किए। इन धमाकों के साथ पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बन गया। जो ही चागी के पहाड़ों में अल्लाह अकबर का नारा गूंजा, पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया और दुश्मन का गुरूर खाक में मिल गया। 28 मई को यौम तकबीर का नाम दिया गया। कौम हर साल ये दिन पूरे वक़ार और जोश व खरोश के साथ मनाती है। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बना, किस तरह से जो है बैनुल अक़वामी दबाव भी पाकिस्तान पर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है दुनिया में जो है वो पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बना। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने याद करना है। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।